अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे घर में रखे हुए ब्रेड से बहुत ही सॉफ्ट, एकदम मुंह में घुल जाने वाले गुलाब जामुन की रेसिपी। सिर्फ दो से तीन चीज़ों से बनकर ही तैयार हो जाते हैं। तो इसके लिए मैंने चार ब्रेड ले लिए थे, ब्रेड के स्लाइस लिए थे। उसके हम किनारों को हटा देंगे, इस तरह से कट कर देंगे और इसको इस तरह से टुकड़ों में कट कर लेंगे और एक मिक्सी जार में डालकर हम इसको फाइन पीस लेंगे। और मैंने इसको पीस लिया है तो हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसमें हम डाल देंगे चार बड़े चम्मच मिल्क पाउडर, एक चुटकी हम इसमें डाल देंगे बेकिंग पाउडर और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और थोड़ा थोड़ा दूध डालते हुए अब हम इसका एक डो लगा लेंगे और एक साथ दूध नहीं डालेंगे, ये पतला हो जाएगा। तो हमने एक इसका डो लगा दिया, इसको ढक के रख देंगे अभी हम। और इधर हम इसके लिए चाशनी बना लेंगे। इसके लिए हम डाल देंगे एक कप चीनी और एक उसी कप से हम डाल देंगे एक कप पानी और दो सफ़ेद इलायची डाल देंगे और इसे दो से तीन मिनट तक हम पका लेंगे। और देखिए तीन मिनट हो गए इसे पकते हुए और चाशनी बनके हमारी तैयार हो गई है। तो हम इसको एक साइड में रख देंगे और जो हमने डो रखा था उससे हम गुलाब जामुन बना लेंगे। इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा लेते जाएंगे और इसकी वॉल बना लेंगे। बिल्कुल भी बॉल में जो है क्रैक्स नहीं होना चाहिए, वरना जो है फट जाएगा हमारा फ्राई करते टाइम। और इसके इस तरह से सारी बॉल बना लेंगे। और मैंने ऑयल गरम करने के लिए रख दिया था, अब हम सारे गुलाब जामुन इसमें डाल देंगे। ऑयल ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए, बस हल्का गरम होना चाहिए कि जब हम बॉल डालें तो उसमें हल्के हल्के से बबल आएँ। और इस तरह से चम्मच से हम धीरे धीरे चलाते जाएँगे, इसे आराम आराम चलाएँगे ताकि फटे ना। और इस तरह से चलाते हुए मैंने फ्राई कर लिया है इसे, तो इसमें अच्छा एक कलर आ गया है। तो हम इसको निकाल लेंगे और इसको हम चाशनी में डाल देंगे। चाशनी जो है गर्म होनी चाहिए और एक से डेढ़ घंटे के बाद हम इसे सर्व करेंगे। और देखिए बहुत ही मज़ेदार से हमारे ये गुलाब जामुन बनकर तैयार हो गए हैं। आप लोग भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक मुझे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों फैमिली में, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।